इस वीडियो में हम एओएम तथा अन्य विभागीय परीक्षाओं में कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट यानी CNW डिपार्टमेंट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। श्रेणी ए के अतिरिक्त सीसी रेक की बीपीसी कितने किलोमीटर तक वैध है? द बीपीसी ऑफ सीसी रेक इज वैलिड अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स फॉर अदर देन ए कैटेगरी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर्स। श्रेणी ए डेपो सीसी रेक की बीपीसी कितने किलोमीटर के लिए जारी करता है? ए कैटेगरी डेपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रेक विल बी वैलिड अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर्स। न्यूनतम रेक योजना किस में लागू है? द मिनिमम रेक स्कीम विल बी एप्लीकेबल ओनली टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कवर्ड वैगन्स। मिनी रेक में लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए फ्री समय कितना होता है? द फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ मिनिमम रेक शैल बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5 आवर्स। न्यूनतम रेक कंपोजिशन में मिनी रेक कितना होता है? द मिनी रेक विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम हाउ मेनी वैगन्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 20 वैगन्स। आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप, क्योंकि इसमें है डीजी नायर द्वारा लिए जाने वाले एओएम सीबीटी परीक्षा हेतु सभी प्रकार के नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स, साथ ही ग्रुप डी टू ग्रुप सी स्टेशन मास्टर गार्ड शंटिंग मास्टर परीक्षा हेतु सभी नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स। पीएमई से क्या तात्पर्य है? What do you mean by PME? The correct answer is periodical maintenance examination. नए वैगन की क्रमांक योजना के अनुसार पहले दो डिजिट क्या प्रदर्शित करते हैं? As per new wagon numbering scheme, first two digits will indicate. The answer is type of wagon. सीसी रेक का तात्पर्य क्या है? What do you mean by CC rakes? CC rake means closed circuit rake. भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर काम में लिए जा रहे हैं? What type of center buffer coupler used in Indian Railways? Correct answer is AAR type. सेंटर बफर कपलर्स आर यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। सेंटर बफर कपलर की कमजोर कड़ी क्या है? व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? नकल इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। AAR प्रकार के सेंटर बफर कपलर में कौन से हेड और शैंक्स उपयोग करते हैं? What type of head and shank are used in AAR type center buffer coupler? सही उत्तर है E&F type. व्हील गेज क्या नापता है? The wheel gauge measures the distance between flanges of two wheels on same axle. Air brake, empty stock, end-to-end rake, unloading के बाद खाली rake पहले गहन परीक्षण के लिए किसके पहले दिया जाना चाहिए?
इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रेक्स द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन बिफोर द आंसर इज नेक्स्ट लोडिंग एयर ब्रेक एंड टू एंड रेक्स गहन परीक्षण के बाद बीपीसी की वैधता कब तक होती है इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रेक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेन अप टू द आंसर इज डेस्टिनेशन पॉइंट यदि किसी भी परीक्षण वार्ड में एयर ब्रेक रेक खड़ा कर दिया जाता है तो एयर ब्रेक स्टॉक की बीपीसी कितने समय बाद अवैध हो जाती है 24 घंटे के बाद बीपीसी अवैध हो जाती है मालगाड़ी कंट्रोल रिजर्वेयर की क्षमता कितनी होती है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वेयर इन गुड्स ट्रेन द आंसर इज 6 लीटर्स धूल संग्राहक कब साफ किया जाना चाहिए द डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन द आंसर इज एट द टाइम ऑफ ROH ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन ब्रेक सिस्टम इज द आंसर इज ग्रीन कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए अंतिम ब्रेक यान में कितना प्रेशर ड्रॉप करना चाहिए हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर द कंटिन्यूटी टेस्ट 1 kg/cm². इंजन के ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर होता है सही उत्तर है 5 kg/cm². ट्विन पाइप सिस्टम में वैगन के फीड पाइप का रंग क्या है व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन फीड पाइप का रंग सफेद यानी व्हाइट कलर का होता है 56 बॉक्स एन वैगन्स के साथ ब्रेक वैन में ब्रेक पाइप प्रेशर कितने से कम नहीं होना चाहिए द बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बॉक्स एन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन द आंसर इज 4.8 kg/cm². यदि ईएलडी हैंडल खाली वैगन की लोडेड स्थिति में हो तो परिणाम क्या होगा ईएलडी हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ एम्प्टी वैगन व्हाट विल बी द रिजल्ट द आंसर इज ब्रेक बाइंडिंग एक बॉक्स एन वैगन में ब्रेक ब्लॉक की संख्या कितनी होती है इन 1 बॉक्स एन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर द आंसर इज 8 सिंगल पाइप सिस्टम में वैगन ब्रेक रिलीज करने के लिए लिया गया समय कितना होता है इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द वैगन ब्रेक इज 60 seconds प्रीमियम एंड टू एंड ब्रेक की गंतव्य स्थान से न्यूनतम ब्रेक पावर कितनी होती है एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड ब्रेक इज द आंसर इज 95% ऐसे प्रीमियम एंड टू एंड ब्रेक के लिए जारी की गई ब्रेक शक्ति प्रमाणित कब तक होगी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर सच प्रीमियम एंड टू एंड ब्रेक्स विल बी वैलिड फॉर 10 प्लस और माइनस 2 डेज
नोडल स्थान से सीसी रेक की ब्रेक पावर कितनी होनी चाहिए। द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट इज, द आंसर इज 100%। धूल संग्राहक यानी डर्ट कलेक्टर का क्या कार्य है? सही उत्तर है क्लीनिंग द एयर। लोकोमोटिव में टेस्ट प्लेट लगाने के बाद एक मिनट में कितना प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए? हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन अ मिनट आफ्टर पुटिंग अ टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव? सही उत्तर है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।